मानव की उत्पत्ति अभी भी एक अनसुलझा सवाल है। मनुष्य की उत्पत्ति कहां से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी और कैसे यहां पूरे विश्व में फैल गई, इसके आदि पूर्वज कौन थे, यह सवाल आपके और हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब तक जीव विज्ञान में यही पढ़ा गया है कि हजारों वर्ष पूर्व आधुनिक मानव जैसा नहीं था। लाखों वर्ष में म्यूटेशन द्वारा शारीरिक परिवर्तन के साथ दो चार पैर पर चलने वाले अन्य स्तनधारी जीवों से उसका विकास हुआ था। यूरोप के वैज्ञानिक मानते हैं कि पहले मनुष्य मात्र 3000 वर्ष पहले हुआ करता था। मनुष्य की पहली प्रजाति को होमो हैबिलिस कहते हैं। पहले के मनुष्य की प्रजाति और नाम अलग अलग है। दुनिया का सबसे पहला इंसान यानी जो बंदरों जैसी दिखने वाली प्रजाति से संबंध रखता है, यह प्रजाति थी ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। ये प्रजाति आमतौर पर बंदरों जैसा ही दिखाई देता था और वह बहुत ही झुक के चला करता था। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंडरथल और पांचवा यानी आज का मनुष्य यानी होमो सेपियंस। ये पांचों इंसानों की प्रजाति है। होमो हैबिलिस पेड़ पर रहते थे और वजनी होने के कारण एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नहीं जा सकते थे, इसलिए वह पेड़ों पर झूलते रहते थे और उसी कारण उसने अपने दोनों पैरों पर चलना शुरू किया और इसी तरह इंसान के चलने की क्रिया सबसे पहले पेड़ों पर शुरू हुई। ये मुख्यतः खुराक में शाकाहारी हुआ करते थे। ये फूल फल पेड़ों के पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे और यह सारी प्रजातियां झुंड में रहा करती थी। माना जाता है कि ये प्रजाति इतने ताकतवर हुआ करते थे कि वो बड़े से बड़े पत्थरों को भी आराम से उठा लेते थे और ताकतवर होने के साथ साथ विशालकाय और बजनी हुआ करते थे। कहा जाता है कि जब ये उसे टाइम पर जमीन पर चलते तो उनके पैरों के निशान इतने बड़े थे कि एक पैर के पंजे के निशान के अंदर आज के 5 आधुनिक इंसान उसने आराम से खड़े हो सकते हैं और उनका शरीर पूरे बालों से ढका हुआ होता था, लेकिन उनके पास ज्यादा सूझबूझ और समझ का अभाव था। इसके बाद उनका रूपांतरण होमो इरेक्टस में हुआ। उन्होंने धीरे धीरे जंगल से नीचे जमीन पर चलना शुरू किया और पूर्ण रूप से दोनों पैरों पर चल सकते थे। इन्होंने जंगलों में रहते हुए अपनी बस्ती बसाकर छोटी मोटी शिकार करना शुरू किया। जमीन पर रहने के साथ साथ इनको पता चला कि इन पत्थरों का इस्तेमाल करके उनका काम आसान हो सकता था, तो इन्होंने अपने शरीर के लिए पत्थर से नुकीले औजार और हथियार बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से वह शिकार ने अपनी कुशलता हासिल कर चुके थे। हथियारों को बनाते समय दोनों पत्थरों के टकराने से आग का आविष्कार भी हो गया और समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे अच्छे रहन सहन और खुराक की वजह से इनके दिमाग का साइज भी बढ़ने लगा था और वह हर चीज को बारीकी से समझने लगे थे। नदियों का निर्माण होने की वजह से ज्यादातर भूभाग पर पानी का स्तर बढ़ने लगा और इसी दौरान होमो इरेक्टस अब रूपांतरित होकर होमो सेपियंस बन चुके थे। सारे सूझबूझ और दिमाग के तौर पर होमो सेपियंस को पानी की स्तर की बढ़ती चिंता के कारण उन्हें अलग अलग जगह में रहने की जरूरत पड़ी और ऐसे करते करते पृथ्वी के हर कोने में मानव प्रजाति पहुंच चुकी थी।